गेस आज के शुरू में बात करें, मार्केट में एक कार्ड चल रहा है जिसका नाम है बजाज EMI फिनसेप कार्ड, जो कि दावा करता है कि आपको यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेने को मिलता है, जिससे आपको आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस आपका सिविल अच्छा खासा होना चाहिए, कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पे लिमिट देखने को मिलता है, चाहे आपका पिन कोड सर्विस एरिया में हो या फिर ना हो, दोनों तरह पे आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो बात करने लगे इस कार्ड की रियलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ने ये अफवाह फैला रखी है कि इस कार्ड के थ्रू पहला ट्रांजेक्शन आपको ऑफलाइन करना पड़ता है एंड इसमें ये कर रखा है कि इसमें आपको हैवी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो बात करने वाले ये कैसे आपको 0% EMI प्रोवाइड कराता है एंड साथ ही साथ इस कार्ड को कैसे आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो ऑफलाइन शॉपिंग किए, क्योंकि बात करने वाले इस कार्ड के क्या एनुअल चार्जेस हैं एंड इस कार्ड के थ्रू कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो बिना किसी स्टोर पे गए शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि बहुत सारों ने ये अफवाह फैला कर रखा है कि आप इस कार्ड के थ्रू पहला ट्रांजेक्शन आपको ऑफलाइन ही करना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चार्जेस लग जाते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या है कि आपकी 3 EMI मैक्सिमम आपको आपको DP देना पड़ता है, यानी डाउन पेमेंट में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बट मैं बात करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, आप इस कार्ड के थ्रू पहली भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इसको ऑनलाइन ही परचेस करा था। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग की ये मैंने सुन रखा था कि वही पता चला था कि आप इसको पहला ट्रांजेक्शन जो है ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हो, इसकी वजह से मैं भी कभी इसको ऑनलाइन ट्राई भी नहीं करा था, एक दो बार ट्राई करा था, वहाँ पे क्या हुआ था ट्रांजेक्शन फेल हो गया था। बट हो सकता है सिस्टम डिक्लाइन की वजह से ये ट्रांजेक्शन फेल हुआ हो, बट ऐसा नहीं है कि इससे आपको पहला ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ही करना पड़ता, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी रिसेंटली यहाँ पे लाइव दिखाने वाला भी हूँ, मैं इस कार्ड से पहला ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया एंड मैंने क्या हुआ था यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन जो अमेजन से ट्राई करा था इस पर सक्सेसफुल प्लेस हो गया, बट मुझे वो लेना नहीं था क्योंकि मैं बस ऐसे चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने ये कार्ड जब अप्लाई करा था July 2022 में अप्लाई करा था एंड मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपका एनुअल चार्जेस जो है 170 रुपये यहाँ पे चार्ज करने वाला है, क्योंकि इस कार्ड की जो आपको एनुअल चार्जेस देखने को मिलता है 170 रुपये आपको इसका एनुअल चार्जेस पे करना पड़ता है, चाहे आप इससे शॉपिंग करो या फिर ना करो, अगर शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे वेव अप हो जाता है जो कि आपको फर्स्ट EMI ट्रांजेक्शन में प्रोसेसिंग करके दिख जाता है, अगर आप शॉपिंग नहीं करते हो तो इसका सालाना चार्जेस आपको यहाँ पे मिल जाता है 170 रुपये। तो मैं क्या कर रहा था भाई, सोच रहा था यार एक से ऑनलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये तरह का भ्रम आ गया था कि भाई इस कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी एक बार दो बार ट्राई करा था तो वहाँ पे आ रहा था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इस विजिट द नियरेस्ट स्टोर फॉर शॉपिंग, मतलब ऐसे करके आ रहा था मुझे, तो मैंने भी मतलब लगा कि भाई ऐसा नहीं होता। तो समझ सकते इस कार्ड को मैंने जब जुलाई में अप्लाई करा था तो ऑलमोस्ट जुलाई आने में 1 महीने बाकी है, बट एक फोन सेलेक्ट करा था वीवो का था, तो वो फोन मुझे एक्चुअल में चाहिए भी था, तो मैंने उसको क्या करा ऑर्डर प्लेस करा एंड सक्सेसफुली वो फोन ऑर्डर भी हो गया एंड उसकी EMI भी मैंने सेलेक्ट कर रखी है। ये जो मैंने फोन सेलेक्ट करा था ये तो 0 cost EMI पे था, तो बात करना इस कार्ड के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा एंड इस कार्ड के अगर 0 EMI है तो कितनी EMI बनने वाली है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो बजाज फिनसेप का एप्लीकेशन है वहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो साइड में आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, ऊपर देखोगे तो यहाँ पे बजाज का जो मेरा एप्लीकेशन है मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे मेरा ऊपर UPI ID दिख जा रहा है, नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है लोकल एंड ऑनलाइन, मतलब ये जो मैंने प्रोडक्ट्स परचेस करा है ये लोकल भी है ऑनलाइन भी है दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 24,058 रुपये का मेरा यहाँ पे फोन था, क्योंकि आपको भी पता अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस करते हो 49 and 59 आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैकेजिंग चार्ज करके यहाँ पे इन लोग चार्ज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा फोन था 23,999 रुपये का, जहाँ पे मुझे 49 यहाँ पे चार्ज लगा था यहाँ पे सिक्योर पैकिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोडक्ट हुआ था 24,058 रुपये का टोटल पड़ा था, तो यहाँ पे 6 महीने का टोटल EMI दिखा रहा है, अभी तक 0 EMI पेड है, मैंने लास्ट महीने में ही परचेस करा रखा, तो पहली EMI जो 2 तारीख को आने वाली है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सेलेक्ट तो यहाँ पे देखो माई अकाउंट वाले सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ, ऊपर ही देखोगे तो मेरा नाम लिख जा रहा है नीलेश यादव एंड यहाँ पे देखो मेरे कार्ड की जो टोटल अवेलेबल लिमिट है यहाँ पे देखो तो बता टोटल लोन लिमिट देखो तो 59,000 जो कि अवेलेबल लिमिट है 34,942 रुपये जो कि अभी कार्ड ब्लॉक है, ब्लॉक का भी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों ब्लॉक है एंड सेकंड देखेंगे यहाँ पे माई रिलेशन में तो बता जा रहा है कि आपने लोकल एंड ऑनलाइन यहाँ पे एक फोन परचेस कर रखा है जिसकी EMI देख सकते हो 4,010 रुपये और मैं 4,010 रुपये का यहाँ पे डिवाइडेड करूंगा तो 24,060 रुपये आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है सिर्फ एंड बात कर लेते हैं इसमें और भी चार्जेस लगने वाले हैं तो पूरा वीडियो इन तक देखे जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में से ही छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे 24,000 का ये दिख गया। अब बात कर लेते हैं ये कार्ड ब्लॉक क्यों था, ब्लॉक का रीजन ये था कि अगर आप बजाज कार्ड से कुछ भी परचेस करते हो चाहे आप ऑनलाइन परचेस करो चाहे आप ऑफलाइन परचेस करो आपका नेक्स्ट टाइम कार्ड तभी एक्टिवेट कर सकते हो तभी यूज़ कर सकते हो जब आप उसकी 3 EMI पेड कर दो, क्योंकि ये 3 EMI जब तक मैं पेड नहीं कर सकता दोबारा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, इसके लिए आप चाहे एक ही बार में पूरा शॉपिंग कर लो या फिर अगर आपने 10,000 या 5,000 का कुछ भी शॉपिंग कर लिया अगर आप सेकंड टाइम शॉपिंग करना चाहोगे तो तभी तक शॉपिंग कर पाओगे जब तक नहीं आप उसका 3 EMI पेड कर लो, तो इसके लिए ये कार्ड अभी ब्लॉक कर दिया गया है एंड यहाँ पे अगर जाओगे कस्टमर केयर से बात कर रहे तो यही रीज़न वो भी बताएंगे, मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा कार्ड ब्लॉक क्यों कर दिया गया तो उन्होंने यही बताया लोन डिटेल्स,
तो लोन डिटेल्स भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जब परचेस किया ईएमआई स्टार्ट डेट बताया जा रहा है 2/7/2023, मतलब मैंने छठे महीने में परचेस करा था, सातवें महीने यानी जुलाई से यहाँ पे इसकी ईएमआई जाने वाली है। एंड ईएमआई जो इंड होने वाली है 2/12/2023, मतलब यहाँ पे दिसंबर में यहाँ मेरी ईएमआई इंड हो जाएगी। यहाँ पे बताया जाए एनुलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे देख सकते 0% दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसकी प्रोडक्ट की, तो यही सेम आपको दिखाया जा रहा है, 4,010 रुपये की ईएमआई जाएगी, 24,058 रुपये का प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पे टेनर जो है 6 महीने का दिखाया जा रहा है। ईएमआई देख सकते 0.0%, मतलब यहाँ पे जो है ये कार्ड बिल्कुल जो 0% प्रोवाइड करता है, बट अभी इस कार्ड में कुछ और चार्जेस लगने वाले, तो वेट करिए बता रहे हैं। तो इस वजह से फीस एंड चार्जेस में चला गया, तो देख सकते पहली चीज़ जो बताया जा रहा है प्रोसेस पर दिखाया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस ऑन फर्स्ट ईएमआई, मतलब मेरा ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरा ऑनलाइन फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्ज तो आपको हर ट्रांजेक्शन पे लगता है। ये चीज़ अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो यहाँ पे 420 रुपये समथिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक लोग को प्रोडक्ट दिलाया था, तो उसमें आपको पहले तो वहाँ पर डाउन पेमेंट ले लिए, प्रोसेसिंग चार्ज प्लस उनका इंटरेस्ट जो था पहले ही लग गया था। एंड दूसरी चीज़ में बात करूँ तो कन्वेंसर फीस जो यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई, तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई है भाई। बहुत सारे लोग ये मत कन्फ्यूजन होना कि नहीं भाई आपने पहले भी ऑनलाइन पर, क्योंकि जब मैं आपको दिखा माई रिलेशन में तो वहाँ पे आपको जितना भी लोन ले रखा है आपका सब दिख जाता है ए टू जेड, कि आपने कितनी बार लोन रखा है, कितना पेमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे दिखा तो फर्स्ट ईएमआई दिख रहा था, सीधी सी बात है यार फर्स्ट ईएमआई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको कन्वेंसर फीस का जो चार्ज लगता है 170 रुपये। एंड जो आपका सिविल रिपोर्ट फीस, मतलब एक चीज़ में एक्श्योर कर लेना, आप जितनी भी इनसे अगर कुछ भी परचेस करते हो इसमें आपकी सिविल पे इंक्वायरी जाती है, हर बार सिविल की जो चार्जेस होते हैं 46 रुपये, यानी ऐसा नहीं कि अगर आपने परचेस कर रखा तो आपकी सिविल नहीं चेक होती, इसमें आपकी सिविल हर बार चेक होगी, हर बार आपको यहाँ पे सिविल का जो चार्जेस पे करना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अगर नॉर्मल आप जाओगे सिविल के ऑफिस से लेने तो आप 1200 रुपये में समथिंग यहाँ पे एक साल का मिलता है, जो हर महीने आप चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे आप जब भी परचेस करोगे तो आपके सिविल पे डायरेक्टली बूस्ट करेगा, एंड आपकी नॉर्मली जो सिविल स्कोर है आपको मैसेज में माध्यम से मिल जाती है कि आपकी सिविल करेंट कितनी है, कितनी लोन चल रही है। एंड मैं इसको टोटल कैलकुलेट करता हूँ 176,117 एंड 46, मतलब टोटल अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है 339, मतलब आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 339 रुपये फर्स्ट टाइम यहाँ पे उनका जो चार्जेस लगने वाला है ये आपके फर्स्ट ईएमआई में जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस सब आपको फर्स्ट ईएमआई में चार्जेस लगने वाला है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कन्फर्म कर दिया, जितने भी डाउट थे आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा कि आपको पहला ट्रांजेक्शन ऑफलाइन करना जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है लोग बोलते हैं कि इसको पहला ट्रांजेक्शन आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट ये स्टार्टिंग में लोग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि आपका बैंक अकाउंट अगर आपने ऑनलाइन इसको मतलब एक्टिवेट किया कार्ड को तो वहाँ पे आप जब अप्लाई करते हो इस कार्ड को तो ऑलरेडी आपका नेचर यहाँ पे लिया जाता है, बट ये अप्रूवल नहीं होता। मैंने उनसे पूछा साफ साफ, तो उन्होंने बताया सर आपका यहाँ पे 0 यहाँ पे बैंक दिखा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने ऑलरेडी नेचर सेटअप कर लिया तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। तो गाइस आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।